भारत में फांसी की सजा को बहुत ही पुराना और सबसे अहम दंड के रूप में माना जाता है, पर अब फांसी का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये कहानी है बिहार की एक ऐसी जेल की, जहां शुरू हुआ डर का एक ऐसा भयंकर खेल कि एक फांसी बन गई लोगों की मौत का सबब। सेल में तो कोई रहता नहीं, ये आवाज कैसी? कौन है? जानता हूं कि इस भूख हड़ताल के पीछे किन लोगों का हाथ है। जिन जिन लोगों का मैं नाम लूंगा वो खड़े हो जाएंगे। हरिलाल भेजा, चरण, अजीत, लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचाकर अपने आप को बचा लोगे? ये जेल है, यहां कैदियों की नहीं पुलिस वालों की चलती है। और मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं कि अपनी ये भूख हड़ताल को खत्म करो, नहीं तो जेल में कानून की व्यवस्था को भंग करने में इतनी दफाएं लगा दूंगा ना। और अच्छा यही होगा कि तुम लोग भी चंद लोगों के बहकावे में ना आओ और अपने आप के बारे में सोचो। तुम्हारी जितनी भी मांगे हैं मैंने सब ऊपर पहुंचा दी हैं, उन्हें सुलझा दिया जाएगा। और जहां तक रहा गार्ड की मौत का सवाल, वो एक सुसाइड था या कत्ल था, उसकी जांच चल रही है।
तुम लोग शांति से अपनी सजा काटो। इस बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगली बार मैं अपना फैसला लूंगा। देख लिया, चले थे राजनीति करने। अरे हम तो पहले कह रहे थे कि जेलरों बहुत सख्त है, बहुत खतरनाक है, लेकिन कोनो मेरा बात नहीं सुना। हट। देखो भैया, हम एक बात बताते हैं कि हम सब लोगों की भलाई ही में ही है कि हम लोगों को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए और चल के नाश्ता करना चाहिए। ठीक कह रहे हो, पर हमारी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही कि वो ससुर का नाती गार्ड वो बंद सेल के अंदर मरा तो मरा कैसे। अरे हमें तो ही लग रहा है कि हमारा कोनू दूसरा बाप पैदा होगा। वाह, कहीं केसरवा का भूत तो नहीं मारा उसको? अरे पगला गए होगा। अरे केसरवा को मरे तो जमाना हो गया और उसका भूत उसकी आत्मा सेल में का करेगी है? एक बात बताते भैया, चलो चल के हम लोगों ने नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता करना चाहिए, दो ही दिन से सर चकरा रहा भाई। चलो आ गया है साला। अरे अफजल भाई, चलो भूख हड़ताल खत्म हो गई है, चलो चल के खाना खा ले। अरे क्या कर रहे हो दिलराज भाई? अरे काहे इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी करो ना भाई। चलो नहीं चाहिए मुझे सड़ा हुआ रास्ता। अरे इसमें तो कुत्ता भी मुंह नहीं डालेगा। पगला गया है का? दिन भर जानवरों की बाती, काम करो और उसके बदले में ये सड़ा हुआ रास्ता। नहीं गाना है मुझे ये रास्ता। अरे पगला ये तो बुरी तरह जख्मी हो गया है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। सब चलो उठाओ। जेल में दो मौतें हो चुकी थी जिसकी वजह कोई नहीं जानता था। मैं उस जेल में कई सालों से ड्यूटी पर था। हमारे जेल में एक कैदी था अफजल खान, जो जल्लाद की भूमिका भी निभाता था। वो एक कैदी और जल्लाद होने के साथ साथ बड़ा अच्छा इंसान था। अचानक अफजल खान अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगा था, जबकि कुछ अन्य कैदी कह रहे थे कि अफजल खान ने जब से केसर को फांसी पे लटकाया है तब से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। Charge him.
बुरी आत्मा, बुरी आत्मा, अच्छा चली, अच्छा चली, अच्छा चली, अच्छा चली। कौन है? कौन है? अफजल की आवाज है? लगता है फिर कौन नया खड़ा किया है। चलो चलो देखते हैं। अरे अफजल खोल खोल जल्दी खोल। क्या हो क्या? अफजल लगता फिर बेहोश हो गया। अफजल तू जा, मैं इधर जाता हूँ। अफजल खान, अफजल खान, तुम भले ही चल रहा हो लेकिन हमारे लिए तो कैदी हो ना। अब से मजाक करता है तिरंगा घुमा के। चलो 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 मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आ गया। सबको मार दूंगा मैं। दूसरी घटना है। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है किसे पता?
लगता है उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? भगवान जाने, मुझे तो अफजल खान पे शक है। उस जल्लाद को खून करने की लत लग गई है। खान, लाश को नीचे उतारो। ये फांसी की नोट का तरीका बांधने का तो अफजल खान का लग रहा है। ताना किस कमरे में, मेरा मतलब कि सेल में क्या कर रहे? अफजल, मैं यहाँ कैसे? आपने क्या देखा यहाँ पे? अफजल, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आऊंगा? तुम खुद ही चलकर आए हो। अब चलो यहाँ से, तुम्हें आराम की जरूरत है। खुद चल के आया। चलो अफजल खान, मैं समझ सकता हूँ एक जलाद के लिए यादों की दुनिया से बाहर आना कितना मुश्किल है, जो अपने काम को इतनी बेखूबी से करता है। मैंने तुम्हारी माफी की याचिका सरकार को भेज दी है। उसके बाद में जलाद का काम तुम करना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। मेरी तो सलाह यही है कि तुम आराम करो। ये जो तुम कल्पना की दुनिया में घूमते रहते हो ना दिन रात, इसे बाहर आने की कोशिश करो। चलो। एक पुलिस गार्ड की मौत से जेल पे उंगलियां उठने लगी। अफजल जो एक साधारण इंसान था, वो असाधारण बिहेव करने लगा। आज सोचता हूं कि अगर मैंने उस समय समझदारी से काम लिया होता तो हालात पे काबू पाया जा सकता था, पर उस समय मानो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। Ah! 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 Ah!
अफजल खान तेजा की सेल के सामने? उस दिन जब अफजल खान को जेलर ने तेजा के सेल के बाहर बेहोश देखा तो वो समझ गया कि जरूर कोई बात है जो अफजल के साथ हो रही है। अफजल कभी तो बिल्कुल ठीक रहता और कभी वो एक अलग इंसान की तरह रहता। जेल में डरावने हादसे बढ़ने लगे और दिन ब दिन अफजल की हालत खराब होने लगी। एक दिन जेलर ने फैसला किया कि उसके भीतर जो हलचल चल रही है उसका पता लगाया जाए। फिर एक साइकाट्रिस्ट की मदद से अफजल से बात की और उसके बाद एक ऐसी डरावनी सच्चाई सामने आई कि सभी हैरान थे। अफजल खान, मेरी आंखों में देखो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं सोना चाहता हूं डॉक्टर साहब। तुम सो लेना, लेकिन पहले मेरे सवालों के जवाब दो। तुम कहां पर पैदा हुए? काशीपुर में। तुम यहां किस जुर्म की सजा काट रहे हो? मैं अमर होना चाहता था डॉक्टर साहब। मैं काले जादू का पुजारी हूं। मैंने 10 बच्चों की बलि चढ़ा दी, इसलिए इन बेवकूफों ने मुझे जेल में बंद कर दिया। तुम इस जेल में किस सन में आए? 1991। एक मिनट डॉक्टर, ये जो बातें कर रहा है ना, ये केसर की बातें कर रहा है अफजल, लेकिन बातें ये केसर मुजरिम की कर रहा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। 1991 में हमारे यहां जो कैदी आया था वो अफजल खान नहीं, केसर था। केसर यहां 91 में आया था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में जितने मुजरिम देखे उनमें से वो सबसे अलग था, एक बेरहम आदमी था। अरे आओ भाई आओ, देखो तो हार खाते हम नया मुर्गा बुलाए रहे हैं। अरे ओ भैया, जरा कुछ चैया भैया पी के भी जाओ। अरे अरे देखो, बकरी की तरह चल रहा है। अरे बकरी नहीं, बकरा, लंबे बाल वाला। वो ब्लैक मैजिक करता था, जेल में आने से पहले और जेल में आने के बाद काले जादू की पूजा करना नहीं छोड़ा उसने। उसकी सोच बड़ी अजीब थी, वो पागलों सी हरकतें करता था, दिन रात अपने सेल से निकलता ही नहीं था और अक्सर लोगों ने उसके सेल में से मंत्रों की आवाजें सुनी थी। उसे लगता था कि जैसे वो मौत पे जीत पा सकता है और मरने से पहले तक उसको पूरा यही विश्वास था। खाना खा ले। ओ, खाना काहे नहीं खाता है? लेकिन ये जेल है और जेल के अपने कानून और नियम होते हैं, चाहे पुलिस वाले हों या मुजरिम। जेल में नहीं आए हो का? कोई कादा कानून मालूम है कि नहीं? बे घोर किसको रहा है? हाँ, चलो सलाम करो हम सबका। Come on!
दिन हफ्ते और महीने बीत गए। केसर उस अकेली सुनसान सी सेल में पड़ा रहा। उसने बाहर आना ही छोड़ दिया। मैंने भी हालत देखकर यही समझा कि वो सेल में ही रहे और वो उस सेल में काले जादू की पूजा करता रहा। पढ़ने से नहीं डरता मैं। जाओ जाओ जाके अपने अधिकारियों से कह दो कि मुझे फांसी दे दे। मरने से नहीं डरता मैं तो इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त अफजल खान, आज तुम जानते हो ना कि तुम्हें केसर को फांसी देनी। पिछले 10 सालों से हर मुजरिम को तुम ही फांसी देते आ रहे हैं। अपनी उम्र कैद की सजा के साथ साथ जल्लाद का भी काम करते आ रहे हैं। ठीक कह रहे हो जेलर साहब, आइए चलिए। चलो लगता है तो हार बरमाला पहन का दिन आए गए हो बच्चुआ। आज तो भैया सारी कहानी खत्म समझो, भैया चले ससुराल को। शुरू से अकल वहां था, अब मरेगा ना। मरेगा क्या लगता है कि मैं तेरे इस काले कपड़े से डर जाऊंगा? मैं तेरे इस काले कपड़े से नहीं डरता, मैं इस फंदे से भी नहीं डरता। मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों चंदा, तू भी यही सोच रहा है कि इस शरीर के साथ साथ रूह भी मर जाती है? रूह को कोई नहीं मार सकता, आत्मा अमर है। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। तू मुझे मारेगा, मैं तुझे मारूंगा। ये सिलसिला चलता ही जाएगा ये सिलसिला। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। Ah!
बॉडी को ले जाओ। जी। क्या हुआ? चिंता है जनरल साहब ये। चिंता? ये तो मरा हुआ है। क्या हुआ? अभी भी नहीं समझा तू? मैं एक केसर हूं, जिसे तू अफजल खान समझ रहा है वो तो मेरा एक माध्यम है। शक्तियों की आत्मा को तुम क्या समझोगे? यही तो आत्मा की शक्ति है। सोचा नहीं था तुम इस दर्द को सह नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये दर्द सहना होगा, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। अफजल खान में केसर मौजूद था, जो उसे हर बुरे काम करवा रहा था। इस वजह से हमने अफजल खान को सबसे अलग रख दिया। उस केसर की आत्मा ने बहुत बड़ी चाल चली थी और पूरे जेल में अपना हुकूमत बनाना चाहता था, और अफजल खान उस आत्मा के हाथों मजबूर था। अरे हम नहीं मानते ये बात को। अरे तोहार कहे के मुताबिक उस जल्लाद का शरीर में वो केसर का भूत है। अरे हम नहीं मानेंगे ये बात को, समझे? अरे हमको तो लगता है भौरा आ गए हो तुम। हाँ। अरे भैया, हम सच कह रहा हूँ, हम अपने कानों से सुना हूँ। वो दोनों गार्ड जो है ना, आपस में बात कर रहे थे। जब हो ना, कहे ये बकवास कर रहे हो भाई? तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम लोग की जान जो है ना खतरे में है। अब देखा नहीं उस तेजा को और चरण को कितना बेदर्दी से मारा रहा। ठीक बात तो इस समस्या का समाधान हम ही करने काली पड़ी, छोड़ेंगे नहीं वो भूत का। वो ना हो केसर का भूत ही होगा। पकड़ा रहे हो का? मरण छोड़ कर जाना चाहते हो? बात को अपने गांठ बांध लियो, धोखा जाने नहीं दई, समझे? पहले अभी तुम ही जाओ। अब देखो मेरी बात सुनो, हम अंदर, हमें कुछ नहीं सुनना। अरे हम अंदर गए तो मर जाएंगे। अरे हम मर जाएंगे। अरे अरे बचाओ, कोई है? जनरल साहब, जनरल साहब बचाओ, मैं बता नहीं जाता, कोई बचाओ। अरे
बचेगा आज तू नहीं बचेगा। बहुत परेशान किया है तूने हम लोग को। नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। बहुत परेशान किया था आज तू नहीं बचेगा अफजल खान। चल चल निकाल कंबल, निकाल हाथ पकड़, छोड़ दे, मैं बोल रहा हूं छोड़ दे। बहुत बड़ा गहरा आदमी।